हाय दोस्तों, स्वागत है आपका सास बहुओं किचन में। आज हम बनाएंगे फ्रूट चाट। इसके लिए मैंने ये फ्रूट्स लिए हैं, संतरा, जाम, माउस, आम, खीरा, अनार और सेब। 1 टीस्पून नींबू का जूस, 1 टीस्पून चाट मसाला और 5 टीस्पून शक्कर। ये फ्रूट्स मैंने 3-4 पानी से साफ धो लिए हैं। अब मैं इसको बारी बारी टुकड़ों में काट लूंगी। अब मैं खीरा काट रही हूँ, इसके छोटे छोटे पीस करके लूंगी मैं। ऐसे देखिए, अभी मैं आम काट रही हूँ, छोटे छोटे टुकड़ों में भी काटना है इसको भी। सेब को मैं ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूंगी। ये चाट बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों, और इसमें और भी फ्रूट्स आप डाल सकते हैं जो आपको पसंदीदा हो। और ये रमजान में तो ये चाट बहुत बनता है, अब रमजान भी बहुत करीब आया है। अब मैं जाम को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। संतरे के शाख को ऐसा बीच में से छुरी से थोड़ा सा कट करके फिर उसको ऐसा छीलना है, पूरा निकलना है ये छिलका। और उसकी बिंज वो भी निकाल फेंकना है, ऐसा ऐसा पूरा छिलके इसमें डालना है। ये अनार अनार है, अनार छिलके रख ले लिया था मैंने, ये इसमें डाल रही हूँ। माउस को भी ऐसे टुकड़ों में काट लेना है। अब मैं इसमें शुगर डालूंगी, ये 5 टीस्पून है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैं 1 टीस्पून चाट मसाला डाल रही, और 1 टीस्पून जो है नींबू का जूस। अब इसको अच्छा मिक्स कर लेंगे हम। देखिए दोस्तों, अब हमारा फ्रूट चाट तैयार है खाने के लिए। बिल्कुल ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो आप शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।